FCRA आखिर क्या है FCRA, जिसकी हाँ के बिना जो है वो कोई भी NGO विदेश से एक पैसा तक नहीं मांग सकता। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। FCRA के जरिए विदेशों से मिलने वाले दान को नियंत्रित किया जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया था और बाद में इसके नियमों में संशोधन भी किया गया है। FCRA विदेशी दान लेने वाले सभी संगठनों, समूहों और गैर सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, ताकि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की चुनौती पैदा न हो पाए। इसलिए जब भी कोई संगठन विदेश से फंड मांगता है तो उसे FCRA से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उसके बाद ही वो विदेश से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन 5 साल का ही होता है और बाद में इसे रिन्यू करवाना होता है। आपको बता दें कि FCRA से रजिस्ट्रेशन को लेकर कई नियम भी होते हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद संस्थाएं कई सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए जो है वो विदेश से फंड तो ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई नियमों का पालन भी करना होता है, जिसमें आयकर रिटर्न भरना और समय पर जो है इसे रिन्यू करवाना आदि शामिल है। इसका उद्देश्य विदेशी फंड पर निगरानी रखना, देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर नजर रखना, सुरक्षा संबंधी जानकारी रखना होता है, और अगर सरकार को इनमें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो रजिस्ट्रेशन को रद्द भी कर सकती है। तो आपको FCRA के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।